जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला। अब बाकी मंत्रिमंडल के नेताओं के शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं वह या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुरेंद्र चौधरी जो कि नौशेरा सीट से चुनाव जीते हैं, इन्होंने बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को इस सीट से हराया है। 7,819 वोटों से ये जीत सुरेंद्र चौधरी की और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके और रविंद्र रैना के बीच में ये सियासी नूरा कुश्ती लंबे समय से चलती आ रही है। इससे पहले वो रविंद्र रैना से यहाँ पर चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन इस बार 7,000 से अधिक वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता और एक बहुत महत्वपूर्ण पद सुरेंद्र चौधरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला सरकार में दिया गया।